हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक से। हमारा आज का टॉपिक है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स। इससे पहले हम लोगों ने बात की है माइक्रोस्कोप के बारे में, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने बात की है। मैं फिर से कहूँगी, मैंने पहले भी कहा है कि जिसने वो वीडियो नहीं देखी पहले देखिए, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद ही आपको टेलीस्कोप्स पर आना है। वहीं से बेस बनेगा, वहीं से समझ आना शुरू होगा और आपको टेलीस्कोप भी फिर और अच्छे से समझ आएंगे। तो बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की। बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या है या क्यों यूज़ किया जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज़ किया जाता है ताकि हम जो हमारे यूनिवर्स में हमारे जो प्लैनेट्स हैं, हमारे जो स्टार्स हैं, उन बॉडीज़ की डिस्टिंक्ट इमेज को, यानी कि उनको हम लोग अलग अलग देख सकें। तो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट क्या है, नाम से पता चल रहा है कि जो भी एस्ट्रोनॉमिकल जो चीज़ें हैं हमारे यूनिवर्स में, जैसे हमारे स्टार्स हैं, उनको ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का जो यूज़ है वो करते हैं। ओके, एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप अगेन कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेज, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस। जो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है वो दो लेंस रखता है भाई, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस। पेपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आता है, मैनी टाइम्स दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड, कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी हम दो लेंस यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव और आई लेंस, और यहाँ पर जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है इसमें भी हम दो लेंसेज का यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस। तो क्या दोनों में फर्क है? यस, अ डिफरेंस इज प्रेजेंट बिटवीन द टू। वहाँ पर जो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप था उसमें ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है और आई लेंस बड़ा होता है। इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है और जो आई लेंस है वो बड़ा होता है, जबकि ये चीज उल्टी है। दिस थिंग इज रेसिप्रोकल, दिस थिंग इज रिवर्स फॉर द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स में ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है और आई लेंस छोटा होता है। इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स ऑब्जेक्टिव इज बिगर एंड आई लेंस इज स्मॉलर इन साइज। ठीक है, ये तो बात रही कंपैरिजन की, कि उसमें भी हमने ऑब्जेक्टिव और आई लेंस का जो यूज था वो किया था, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप थे, और इन टेलीस्कोप्स में भी हम कर रहे हैं। बट फर्क क्या है कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा रहने वाला है आई लेंस से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अब ये वाला केस है जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के, मैं पहले बता दूं दो केस हैं, टू केसेस आर फॉर द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एक केस है कि जब हमारी इमेज इन्फिनिटी पर बनती है, दिस केस ओनली, ये वाला वो केस है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का जिसमें जो इमेज है वो इन्फिनिटी पर बनती है। और एक दूसरा केस होता है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का जिसमें जो इमेज है, जो फाइनल इमेज है, वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो मैंने आपको कई बार बताया है, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं, उस पर बनती है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की जो पार्ट्स हैं वो दो हैं, एक है जिसमें इमेज इन्फिनिटी पर बनती है, यही वाला जो मैं जिसकी मैं बात कर रही हूँ इन्फिनिटी वाला है, और दूसरा है जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर फॉर्म होती है या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनती है। ठीक है, चलते हैं पहले केस के ओर कि जब हमारी इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है, अगेन इसमें भी हम लोग मैग्नीफाइंग पावर ही निकालेंगे। अब तो कई बार हम लोगों ने मैग्नीफाइंग पावर निकाल ली है, माइक्रोस्कोप्स के लिए निकाली है हमने मैग्नीफाइंग पावर, अब तो हमें मैग्नीफाइंग पावर कहीं ना कहीं आप लोगों को निकालनी आ ही गई होगी, कि ये क्योंकि है, ये क्योंकि है, ये क्योंकि है, मिलता जुलता है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का जो पहला केस है उसकी बात करते हैं। हमारी जो रेज हैं, जो इंसिडेंट रेज हैं, वो अल्फ़ा एंगल पर प्रोजेक्ट की गई हैं। जो इंसिडेंट रेज हैं वो अल्फ़ा एंगल बना रही हैं अभी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। अब जो हमारी, अगर हम बात करें इन रेज की, तो जब ये रेज इस ऑब्जेक्टिव लेंस पर फॉल करेंगी, जब ये रेज इस ऑब्जेक्टिव लेंस पर फॉल करेंगी, रिफ्रैक्ट होंगी, तो जो मेरी इमेज है वो ए डैश बी डैश पर फॉर्म होगी। जब मेरी रेज, जो इंसिडेंट रेज है, वो ऑब्जेक्टिव लेंस पर फॉल करेंगी, जब मेरी इंसिडेंट रेज ऑब्जेक्टिव लेंस पर फॉल होंगी, तो मेरी इमेज जो है वो ए डैश बी डैश जो है वो बनेगी। जो मेरी इमेज फॉर्म होगी वो होगी
ए डैश बी डैश। अब आगे क्या करते थे, इमेज बन गई ए डैश बी डैश, इमेज बन गई ए डैश बी डैश। अब क्या होगा, ए डैश से एक रे सीधी यहाँ जाएगी, इट विल मूव टुवर्ड्स द आइलैंड्स, वन रे फ्रॉम ए डैश, वन रे फ्रॉम ए डैश, ए डैश से एक रे जो है वो आइलैंड्स के पास जाएगी और इधर की तरफ बेंड हो जाएगी, उधर की तरफ रिफ्रैक्ट हो जाएगी। एक रे जो है हमारी ए डैश से आने वाली एक रे इधर की तरफ बेंड हो जाएगी और एक रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से चलेगी, अनदर रे विल मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये वाली रे, ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से चल रही है, दिस पर्टिकुलर रे इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर मैं इन दो रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूं, इफ आई विल सिंपली एक्सटेंड दिस एंड दिस रे इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, इफ आई विल सिंपली एक्सटेंड दिस दीज टू रेज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, देन वी विल ऑब्टेन दैट द इमेज इन दिस केस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज फॉर्मड एट इंफिनिटी। जो मेरी इमेज बनती है वो इंफिनिटी पर बनती है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन रह गई हो कि कैसे कैसे बताया गया है, सो दोस थिंग्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मेरी रेज जो है वो इंसिडेंट हुई है ऑब्जेक्टिव लेंस पर, वो रेज रिफ्रैक्ट हो करके ए डैश बी डैश पर इमेज बना लेती हैं, ए डैश बी डैश पर इमेज बना लेती हैं। ए डैश से निकलने वाली एक रे आई लेंस के पास जाती है और इधर की तरफ बेंड हो जाती है, इधर की तरफ बेंड हो जाती है। अनदर रे will simply move through center of curvature, will simply move through center of curvature, and on extending these two rays in the backward direction, अगर मैं इन दोनों rays को पीछे की तरफ खींच लूँगी, if I will extend these two rays in the backward direction, then we will obtain that the image in this case is formed at infinity, मेरी जो image है वो infinity पर बनेगी या infinity पर बनने वाली है। अब बात करते हैं मैग्नीफाइंग पावर की। पहले सोचिए भी मैग्नीफाइंग पावर की जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी वो क्या थी। मैग्नीफाइंग पावर है, मैंने कहा था, इट इज द रेशियो ऑफ एंगल मेड बाय द इमेज टू द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट। आई हैव टोल्ड यू दैट मैग्नीफाइंग पावर इज द रेशियो ऑफ एंगल मेड बाय इमेज टू द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में थोड़ा सा फर्क है, वहां पर होता था व्हेन बोथ इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। पहले वाले केसेस में था कि मैग्नीफाइंग पावर इज द रेशियो ऑफ एंगल मेड बाय इमेज टू द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ आर एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जबकि इस केस में क्या होने वाला है कि मैग्नीफाइंग पावर इज द रेशियो ऑफ एंगल मेड बाय इमेज टू द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम आई, जो कि जब दोनों ही, चाहे वो इमेज है चाहे वो ऑब्जेक्ट है, दोनों ही हमारी आंखों से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, यानी कि बहुत ज्यादा दूर जो है वो प्रेजेंट है, बोथ इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर प्रेजेंट एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द आई। तो ये थोड़ा सा भाई मैग्नीफाइंग पावर की जो डेफिनेशन उस पर फर्क रहेगा। अगेन एज आई हैव टोल्ड यू वेरियस टाइम दैट बीटा एंड अल्फा एंगल ये वाले हैं जो मैंने आपको यहाँ पर शो किए हैं। आई हैव शोन द बीटा एंड अल्फा एंगल्स इन द रे डायग्राम ऑल्सो। नाउ मैग्नीफाइंग पावर एम इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा। एंगल अगर हम छोटे लेते हैं, मैंने पहले ही बोला है कि हम बीटा को टैन बीटा ले सकते हैं, अल्फा को टैन अल्फा ले सकते हैं, तो मैग्नीफाइंग पावर एम में बनने वाली है टैन बीटा बाय टैन अल्फा। एम इज इक्वल टू टैन बीटा बाय में टैन अल्फा। नाउ इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी टू, दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी टू, टैन बीटा की क्या वैल्यू होगी, सोचिए भाई। इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी टू क्या है, ए डैश बी डैश, ये बी डैश है, ये सी टू है, ये ए डैश है, ये पॉइंट मेरा ए डैश है। इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी टू टैन बीटा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश बाय में सी टू बी डैश। इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी टू टैन बीटा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश बाय में सी टू बी डैश।
एंड इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी वन दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी वन टैन अल्फा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन में सी वन बी डैश टैन अल्फा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन में सी वन बी डैश तो हमारे पास यहाँ पर टैन बीटा की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास टैन अल्फा की वैल्यू आ चुकी है अब क्या काम रहेगी अभी टैन बीटा की वैल्यू हमारी आई है ए डैश बी डैश अपॉन में सी टू बी डैश एंड टैन अल्फा की वैल्यू हमारी आई है ए डैश बी डैश अपॉन में सी वन बी डैश तो अब दोनों की वैल्यूज आ गई अब क्या करते हैं इन वैल्यूज को कुछ नहीं करना इसमें पुट कर देना है जस्ट पुट दीज वैल्यूज द वैल्यू ऑफ टैन बीटा एंड टैन अल्फा इन दिस एक्सप्रेशन वी ऑब्टेन्ड एम इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन में सी टू बी डैश इन टू सी वन बी डैश अपॉन में ए डैश बी डैश दैट सिंप्लीफाइज दिस टू सी वन बी डैश अपॉन में सी टू बी डैश सी वन बी डैश अपॉन में सी टू बी डैश एंड सी वन बी डैश की जो आपकी वैल्यू है सी वन बी डैश की जो वैल्यू है वो है एफ नॉट यानी कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस दिस इज नथिंग बट द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड सी टू बी डैश एंड सी टू बी डैश इज माइनस एफ ई सी टू बी डैश इज माइनस एफ ई हेयर एफ ई इज द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस हेयर एफ ई इज द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस तो मैग्नीफाइंग पावर जो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स की वो क्या आ चुकी है एफ नॉट बाय में माइनस ऑफ एफ ई द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज एफ नॉट बाय में माइनस एफ ई तो ये तो हमारी सारी कहानी रही भाई एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के फर्स्ट केस के लिए विच इज द केस फॉर द इमेज एट इंफिनिटी सेकेंड जो केस है उसका मैं आपको रे डायग्राम बताऊंगी कैसे बना है इमेज फॉर्मेशन बताऊंगी कहाँ पर बनी है बट इट्स योर होमवर्क दैट यू हैव टू डिराइव द मैग्निफिकेशन फॉर द सेकेंड केस बाय योरसेल्फ मैंने कई सारी करवाई हैं एक आपका होमवर्क है कि आपको अपने आप प्रूफ करनी है ठीक है जो आपके एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का सेकेंड केस है उसका रेडायग्राम मैं बनवाऊंगी बट यू हैव टू प्रूफ द वैल्यू ऑफ मैग्नीफाइंग पावर फॉर द सेकेंड केस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बाय योरसेल्फ आगे चलते हैं तो ये आप लोगों का नेक्स्ट केस है जब हमारी इमेज जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनती है सब सेम है पहले वाली फिगर की तरह बस थोड़ा सा चेंज है कि यहाँ पर इमेज इन्फिनिटी पर ना बनके लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनेगी अब सब बाकी सब चीज़ें आपको अंडरस्टूड है कैसे करते हैं दो ट्राइंगल लेते हैं वहाँ से मैग्नीफिकेशन की वैल्यू निकालने के लिए टैन बीटा टैन अल्फा की वैल्यूज को निकालते हैं उन्हें पुट कर देते हैं और मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं तो आप लोगों का ये होमवर्क है दैट यू ऑल हैव टू प्रूव बाय योरसेल्फ दैट मैग्नीफिकेशन फॉर द सेकेंड केस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन विच द इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ distinct vision you have to prove that the value of magnification is minus fo by fe 1 plus fe by me d minus fo by me fe into 1 plus fe by me d this is your homework and you all have to complete this homework in your notebooks okay so in today's video we have studied about the astronomical telescopes and we are going to continue the next topic from the next video With this, be regular with videos. Don't waste your time. Study hard. Thank you. एक चीज़ बड़े आराम से बता दूँ कि जो भी हम टेलीस्कोप्स की बात कर रहे हैं ऑप्टिक्स में हम रे डायग्राम्स की हमने बात की है लाइट रे डायग्राम्स की बात की है अगर आप अपनी नोटबुक्स में नहीं बना करके देखोगे तो वो गलत ही बनेंगे पेपर में गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं तो उनको अपनी एक अलग नोटबुक बनाइए और उसमें अपना जो ये डायग्राम्स हैं ये बना बना के देखिए So we are going to continue the next topic from the next video. Study hard. Thank you.